हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना? पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये ब्रह्मांड जिसमें आप और मैं इतने सालों से रह रहे, और उनकी शुरुआत कैसे हुई, जितनी घटनाएं हुई उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हमारा ब्रह्मांड चारों ओर से फैल रहा है। ये ब्रह्मांड हर सेकंड साइज में बड़ा होता जा रहा है। तो ये जानने के लिए कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, हमें सिर्फ समय को रोकना होगा और पीछे जाना होगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, कुछ ज्यादा ही पीछे। आज से करीब 13.8 अरब साल पहले, तो ये है हमारा अनंत ब्रह्मांड। सब कुछ इस परमाणु से भी छोटे गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी होने वाला है, जो भी घटनाएं घटने वाली है, जो कुछ भी है, वो सब इस परमाणु के छोटे गोले के अंदर मौजूद है। किसी रहस्यमय कारण के चलते ये एटम के साइज से भी छोटा ब्रह्मांड अचानक अपने अस्तित्व में आया। एक सेकेंड के करोड़ में हिस्से के अंदर ये ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया, और उसे ही हम कहते हैं द बिग बैंग। इस समय जो आप ब्लास्ट होता हुआ देख पा रहे हो, ये सब ऊर्जा है, प्योर एनर्जी। ये ऊर्जा पूरी तरह से फैल गई और इस समय स्पेस का जन्म हुआ, और साथ ही साथ समय अपने अस्तित्व में आया। ये प्योर एनर्जी करोड़ों साल तक फैलती रही, और ये ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होती रही, और इसी ऊर्जा के चलते मैटर का फॉर्मेशन हुआ, और अरबों छोटे छोटे एटॉमिक पार्टिकल के रूप में, जिसे हम एटम्स कहते हैं, क्लॉक्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सब चीजों का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो प्रकार की चीजें बनी थी, आधी थी मेटल, मतलब कि वो परमाणु, और जो बाकी बची थी उससे दुनिया बनी है जिसमें आप और मैं बने हैं। और जो दूसरा ग्रुप था एंटी मेटल, जो मेटल का ऑपोजिट था, इसलिए वो आपस में मिलते हैं और तब वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। पर फॉर्चुनेटली मेटल एंटी मेटल से ज्यादा थे, और सब खत्म हो जाने के बाद मेटल का एक गोला बच गया था, और उसके ऑपोजिट और कुछ नहीं था जो उसे खत्म कर सके, और इसलिए वो विस्फोट हो गया। जो कि हम सबके लिए वो बहुत ही लकी था, क्योंकि ये एक एटम के गोले से अब पूरी दुनिया बनने वाली थी, क्योंकि इस एक मैटर के गोले के चलते तारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। शुरू के बिग बैंग के चलते ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया, और मैटर के इस गोले के चलते ये ब्रह्मांड के अंदर की चीजें अस्तित्व में आई। उस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा हुआ, और आखिर में जाकर सब कुछ बनना शुरू हो गया। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड एक फोर्स अपना काम करने लगा। फोर्स के चलते हर एक एटम एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, एक दूसरे के साथ आकर्षित होने लगे। ये फोर्स कोई और फोर्स नहीं, ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। गुरुत्वाकर्षण बल जगह जगह उस हाइड्रोजन के परमाणु को आपस में कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु को गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे, उस जगह का तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक जगह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच गया, तब एक नई प्रक्रिया होनी शुरू हो गई, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। उससे बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकली, और उसी समय कुछ ऐसा दृश्य हुआ, इस ब्रह्मांड का पहला तारा जो अपने अस्तित्व में आया। फिर इसी तारे को अपना एक दोस्त मिल गया, और इसी प्रक्रिया से शुरुआत में 200-300 तारे बने, और लाखों साल के अंतराल करोड़ों तारे अपने अस्तित्व में आए, और धीरे धीरे ये तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे। वो आपस में एक ग्रुप बना के रहने लगे, और खरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा, और अलग अलग स्पेस और अलग अलग साइज का फॉर्मेशन हुआ। वो नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है, और उसे ही कहते हैं गैलेक्सी। और उसी तरह लाखों करोड़ों और अरबों गैलेक्सी यानी आकाशगंगाओं का जन्म हुआ, और इन्हीं गैलेक्सी के समुन्द्र में कहीं बीच में एक ऐसी भी गैलेक्सी बनी, और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे, यानी वो गैलेक्सी जिसमें हम और आप मौजूद है। इस गैलेक्सी के अंदर अरबों खरबों तारे मौजूद है, और कुछ डस्ट अभी भी बचा हुआ था जो स्पेस में तैर रहा था, और हजारों साल के अंतराल में ग्रेविटी अपना पावर दिखाने लगी। जो डस्ट मौजूद थी वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते आपस में सामने आने लगी, और उन्हीं परिस्थिति के बीच में बहुत सारे प्लैनेट्स यानी ग्रह बनने लगे। सारे एस्ट्रोनॉट जैसे दिखने वाले टुकड़े ग्रेविटी के चलते आपस में मिलने लगे, और इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान
एक रॉकी प्लेनेट भी बनने लगा, यानी ऐसा ग्रह जिसकी सतह सॉलिड थी। और किसे पता था इसका नाम होने वाला है अर्थ, यानी पृथ्वी, जिसमें आपका और मेरा जन्म होने वाला है। सॉलिड टुकड़े आपस में जुड़ के प्लेनेट तो बन गए, पर बचे कुछ प्रॉपर हाइड्रोजन के एटम्स थे, वो भी आपस में मिलने लगे। और जैसा कि मैंने तारों के निर्माण के बारे में बताया था, बिल्कुल वही घटना यहाँ पर भी हुई। कुछ बचे हुए हाइड्रोजन के एटम से एक तारा बनने लगा। सारे हाइड्रोजन आपस में करीब आने लगे और इतनी टेम्परेचर बढ़ी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की शुरुआत हो गई। और उसी के चलते एक नए तारे का जन्म हुआ जिसका नाम है सूरज। जब यह सूरज बना तब ये बहुत ही सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके चलते बाकी सारे धूल के कण सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल से ही बाहर चले गए। वही सौर मंडल में 8 ग्रह और उनके उपग्रह बच गए, जो कि साइज में बहुत ही बड़े थे। और सौर मंडल ऐसा दिखने लगा जैसा कि आज दिखता है। सौर मंडल में बाहर की तरफ बहुत सारे गैस के प्लेनेट बन चुके थे, जैसे कि जुपिटर यानी बृहस्पति, सैटर्न यानी शनि ग्रह, यूरेनस यानी अरुण ग्रह, नेपच्यून यानी वरुण ग्रह, मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह, विनस यानी शुक्र ग्रह, मार्स यानी मंगल ग्रह और आखिर में हमारी प्यारी धरती। और यही वो धरती है जिनकी इतनी बड़ी सतह पर आप एक जगह पर बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके जन्म से पहले इस ब्रह्मांड में इतना कुछ घट चुका है। बिग बैंग से जन्मा यह मैटर और उसके बाद ग्रहों की उत्पत्ति और उसी के चलते आपका जन्म। तो यही थी आपके और आपके पहले की कहानी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।